15 लाख रुपए अगर आप दोगे तो आपका महाराजा अग्रसेन जैसे कॉलेज में एडमिशन करने का दावा हो रहा है। और ये मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स के बेसिस पे, जिनसे मेरी बात हो रही है डेली बेसिस पे, जो एडमिशन के पता करने के लिए कॉलेज में जा रहे हैं, बावजूद इसके कि हाई कोर्ट ने इतनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी हुई है, बावजूद इसके कि यहाँ पर नोटिस पे नोटिस निकाले गए हैं कॉलेजेस के लिए, बट उसके बावजूद भी ऐसी चीजें सुनने में आ रही है कि जो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेना चाहते हैं उनसे 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। एक मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, उसमें आप देख सकते हो कोई एक MAIT का यहाँ पर इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर है और वो यहाँ पे 15 लाख की डिमांड कर रहे हैं, वो एक किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के कॉन्टेक्ट में है। तो ऐसे यहाँ पर जब एक एग्जाम्पल हमारे सामने आता है तो हम इससे आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे स्टूडेंट्स के साथ ये चीज हो रही होगी। अभी मैं आपको एक नोटिस दिखा देता हूँ जिससे ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि यूनिवर्सिटी ने, हाई कोर्ट ने ये चीज साफ कर दी है कि यहाँ पर 2500 रुपए के अलावा कोई भी 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, मेरिट बेस पे एडमिशन होंगे। और ऐसे किसी भी डिमांड से आप बच के रहें और उसकी कंप्लेंट डीन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल को करें। तो आप स्क्रीन के ऊपर एक ये कटआउट देख सकते हो, नोटिस का कटआउट है जिसमें ये साफ स्टेटमेंट लिखी हुई है कि अगर आपसे कोई ऐसी पैसे की डिमांड करता है तो आप लोग उस कॉलेज के डीन और डायरेक्टर प्रिंसिपल को कॉन्टेक्ट करके उसकी कंप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पर ये चीज लिख तो दी गई है, बट हमें नहीं पता है कि जो डायरेक्टर है उस कॉलेज के, जो डीन है उस कॉलेज के, क्या वो भी इस चीजों में इन्वॉल्व है या नहीं है। हालांकि आप जो कॉलेज की तरफ से गाइडलाइंस आई है, MAIT की तरफ से गाइडलाइंस आई है, उसी को फॉलो करोगे तो आप एक सेफ साइड में रहोगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने अभी एडमिशन ले भी लिया डोनेशन देकर, हो सकता है 2 साल बाद कल को रही चेक होने लगा तो आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो होनी चाहिए हाई कोर्ट की। ये ऑलरेडी कई बार नोटिस आ चुका है और बोला जा चुका है, उसके बावजूद भी अगर आप लोग यहाँ पे पैसे देके करवा रहे हो तो एक रिस्क हो सकता है, क्योंकि मार्केट में काउंसलर्स तो घूम ही रहे हैं, बट डायरेक्टली MAIT में जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं या MSIT में जो लोग काम कर रहे हैं या IP या किसी भी कॉलेज में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी इस चीज को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि आप लोग यहाँ पर मल्टीपल कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। एक मैं आपको यहाँ पे कटआउट दिखा रहा हूँ नोटिस का, जो ये क्लियरली कहता है कि अगर आप मैनेजमेंट कोटा से 5 से 6 कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो आप कर सकते हो, बशर्त आपको हर एक कॉलेज में 2500 रुपए की फीस पूरी देनी पड़ेगी। यानी हर कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के लिए आपको 2500 रुपए देने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई 1 रुपया भी आपसे नहीं लेगा अगर आप ऑफिशियल प्रोसेस से करोगे। क्योंकि मेरे पास डेली बेसिस पे अभी भी कमेंट आ रहे हैं कि भैया MQ से क्या हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, कितने रुपए देने पड़ेंगे, कोई 25 लाख मांग रहा है, कोई 20 लाख मांग रहा है, कोई 2 लाख मांग रहा है, कोई 5 लाख मांग रहा है। तो क्लियर मैं ये पहले भी कर चुका हूँ, अब भी कर रहा हूँ, ऑफिशियल प्रोसेस जो आया है दिल्ली हाईकोर्ट ने जो दिया है IP यूनिवर्सिटी को, जो IP यूनिवर्सिटी ने कॉलेजेस को दिया है, वो यही दिया है कि 2500 रुपए के अलावा 1 रुपया भी एक्स्ट्रा आपको नहीं लेना है और मेरिट बेस पे आपका यहाँ पर होगा, जिसमें आपके 12% जो है उसमें 5 बेस्ट सब्जेक्ट्स के एग्रीगेट मार्क्स कंसीडर करे जाएंगे। अगर 2 स्टूडेंट्स के 12th के मार्क्स सेम होते हैं, परसेंटेज सेम होती है, उसके बाद JEE रैंक कंसीडर करी जाएगी। उसके बाद अगर JEE रैंक भी सेम निकलती है तो आपकी एज कंसीडर करी जाएगी, जिसे कोई आपसे अंदर का इंस्टीट्यूट का बंदा भी कह रहा है। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप लोग अगर कंप्लेन करना चाहते हो आप कंप्लेन कर सकते हो, या पीछे हटना चाहते हो पीछे हट सकते हो, बिकॉज आगे अगर आपकी एजुकेशन में कोई रिस्क आता है या कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए फिर मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। तो मैं अपनी तरफ से जो आपको बेस्ट सलाह है वो दे रहा हूँ, बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कैसे डिसीजन लेते हो उस चीज का, क्योंकि स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, इसलिए ही मैं आपको कह रहा हूँ इन चीजों से आप बच के रहो। और आपको मैंने कटआउट्स भी शेयर कर दिए हैं, अगर आप बोलोगे तो नोटिस भी मैं शेयर कर दूंगा। कोई भी अगर क्वेरी है मैनेजमेंट कोटा से रिलेटेड आप कमेंट डाउन कर सकते हो, डेट्स काफी क्लोज आ चुकी है, बिकॉज 31 जुलाई के बाद मैनेजमेंट कोटा के एडमिशन आपके बंद हो जाएंगे बिल्कुल, इसलिए आप लोग 31 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हो, किसी भी IPU कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो, कितने भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो, ये वाली कंफ्यूजन भी में खत्म हो गई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हो, कितने भी कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो, कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट डाउन कर सकते हो, टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स और वहाँ पे बहुत जल्दी एक डाउट सेशन होने वाला राउंड 3 के रिजल्ट के बाद, और इसके साथ ही में जो भी वहाँ पे चीजें होती है मैं पहले शेयर कर देता हूँ, कोई भी अपडेट आती है पहले आपको मिल जाती है। तो मेक श्योर ज्वाइन करो, पिन कमेंट में लिंक है, मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।